तो यानी देखो इस इसपे जो आपका मास ऑफ अगर इसका और बीटा पार्टिकल भी लिख लेते हैं बीटा पार्टिकल क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज होता है ठीक है बीटा पार्टिकल आपका आपका जो अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर आप लिखना चाहते हो इसमें कितना फोर प्रोटोन है फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन यानी इसका मास कितना हो जाएगा फोर इंटू मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी अपन के जी में लेकर चल रहे यूनिट मास ऑफ दो बीटा पार्टिकल होता है ये कितना होता है? देखो, मास अल्फा पार्टिकल दिख रहा है कि ये माइनस ट्वेंटी सेवन के ऑर्डर का और ये माइनस थर्टी वन का ऑर्डर का यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मच मच ग्रेटर देन दिख रहा है मास ऑफ बीटा पार्टिकल से अब देखो चार्ज का बात कर लेते इसको अपन साइड में रख लेते हैं ठीक है थीके? आप चार्ज पर बात करते हैं देखो चार्ज जो होता है आपका चार्ज जो क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो हीलियम न्यूक्लियस इसमें कितना चार्ज है दो यानी टू टाइम्स अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो टू टाइम्स वन पॉइंट सिक्स सेवन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन अपन लिख लेते हैं ठीक है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन और जो आपका बीटा पार्टिकल है क्यू ऑफ बीटा पार्टिकल ये 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटी नेगेटिवली चार्ज होता है अपन मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं अभी तो आपका रेडियस जो होता है आर इक्वल टू एम बी एफ क्यू बी ये रेडियस डिस्क्राइब करता है आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी दोनों का सेम है मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो रेडियस किस पे पे डिपेंड करेगा रेडियस जो तो डिपेंड करता है आर प्रोपोर्शनल किसका होगा मास और चार्ज का रेशियो पे डिपेंड करेगा आप देखो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर आप लिखोगे क्या वो डिपेंड करेगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ओके और यहाँ पे रेडियस ऑफ बीटा लिख लेते हैं मास ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ बीटा ठीक है तो देखो अब अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होगा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पार्टिकल अपन के पास कितना है फोर टाइम्स फोर इंटू वन पॉइंट सेवन इंटू टू पावर माइनस ट्वेंटी डिडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल ने चार्ज यहाँ पे लिख लिया है टू 1.6 सिक्स इंटू टू पावर माइनस नाइनटीन अब साथ ही पैरल अगर हम चार्ज रेडियस ऑफ बीटा निकालते हैं तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल बीटा पार्टिकल का अपन ने मास कितना लिखा हुआ है नाइन पॉइंट वन इंटू टें माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाई चार्स वन पॉइंट सिक्स इंटू टें माइनस नाइनटीन ध्यान से देखो ये वाला जो टर्म है क्यू m एम बाई क्यू का रेशियो यहाँ पे ये टर्म तो कॉमन हो गया यहाँ भी यहाँ भी और ये वाला टर्म जो है दो से अगर इसको अपन कट करते हैं टू इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन इंट पावर माइनस ट्वेंटी सेवन और नाइन पॉइंट वन इंटू टेंट पावर माइनस थर्टी वन नीचे में से डिनोमीटर पे तो सेम डिवीजन वन पॉइंट सिक्स है और टू पावर माइनस नाइनटीन सेम चीज से डिवाइड कर रहे ऊपर वाला टर्म इस अल्फा वाला पार्टिकल में ज्यादा है माइनस ट्वेंटी सेवन के ऑर्डर का ये मच मच ग्रेटर है माइनस थर्टी वन के ऑर्डर का यानी रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आपका आएगा यानी रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ग्रेटर ग्रेटर देन आएगा रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल के ये अपन का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आया तो आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछ रहा है स्मॉलेस्ट सर्किल स्मॉलेस्ट किसका हो गया बीटा का हो गया तो अपना आंसर क्या हो गया बीटा सेकेंड वाला ओके थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर